आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। हमें अच्छी तरह से पता है कि ये जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर्स, यानी ये तमाम ऑपरेटर्स नंबर्स के दरमियान अप्लाई होते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। ये हमारे पास डेव सी प्लस प्लस का एक कंपाइलर है। यहाँ पे हम ये चारों जो ऑपरेटर्स हैं इनको अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि प्रोग्रामिंग में किस तरह से काम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले कुछ वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे ताकि हम नंबर्स उसमें स्टोर करवा सकें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट में तीन वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स, वाई और जेड। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी इन वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज स्टोर करवाते हैं और उसके बाद हम उनके दरमियान अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल देखते हैं। तो सबसे पहले एक्स में हम कोई वैल्यू रखते हैं, मिसाल के तौर पे 5, और वाई में हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं 7, कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको याद रहे कि चूँकि हम C++ पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर आखिर में आपने सेमी कॉलन लाजमी लगाना। अब हमने दो नंबर्स ले लिए, 5 और 7, ये दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान हम बारी बारी ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनको अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, पहला जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है यहाँ पे प्लस, इसको ज़रा अप्लाई करके देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हमें एक तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा जेड, जिसके अंदर हम जब इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो वो जेड में आके स्टोर हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और आखिर में सेमी कॉलन, और आखिर में हमें इस z की वैल्यू को प्रिंट करवाना होगा, तो आखिर में हम लिख देते हैं सी आउट z। तो ये एक 4-5 लाइनों का एक कंप्यूटर प्रोग्राम हमने बनाया है जो कि प्लस ऑपरेटर को, एडिशनल ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर रहा है इस प्रोग्रामिंग में। अब पहले हम इसमें कंपाइल करके देखते हैं कि कहीं पे कोई एरर मौजूद हो तो हमें पता चल जाएगा। तो इसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। अब हम इसको रन करेंगे, लेकिन रन करने से पहले हम ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए। x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, y की वैल्यू 7 है, तो 5 + 7 रिजल्ट आता है 12, यानी z में 12 स्टोर होना चाहिए और आउटपुट स्क्रीन पे 12 प्रिंट होना चाहिए। अब हम रन करके देखते हैं क्या वाकई हमारा रिजल्ट यहाँ पे 12 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे ही हमने रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें कि आउटपुट स्क्रीन पे 12 लिखा हुआ आ रहा है, यानी आपने देखा कि यहाँ पे एडिशन का जो ऑपरेटर है वो दरअसल काम कर रहा है। अब इसी को अगर मैं प्लस को चेंज करके माइनस कर दूं तो हमारे इस पूरे रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा, इसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। अब मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ और उसके बाद हम इसको फिर से रन करेंगे, तो उसके अंदर कोई एरर नहीं है। हम इसको फिर से रन करते हैं तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे आया -2। अब आप ये देखें कि इसका रिजल्ट यहाँ पे -2 किस लिए आ रहा है। वैल्यूज पुट करके देखते हैं, 5 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 5 माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 5 - 7 रिजल्ट आता है -2, ये स्टोर हो जाएगा z में। तो आपने देखा कि इस तरह से माइनस का जो ऑपरेटर है यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको माइनस से चेंज करके मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा रिजल्ट फिर कुछ और आएगा। इसको हम डायरेक्ट यहाँ से अभी बारी बारी कंपाइल एंड रन करने की बजाय डायरेक्ट इसको कंपाइल एंड रन करते हैं ताकि हमें एकदम से इसका रिजल्ट मिल जाए। तो देखें रिजल्ट इसका यहाँ पे क्या आया है, 35 किस लिए आया कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब 35 आता है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर काम करता है। ये जो साइन है इसको स्टेरिक कहा जाता है। प्रोग्रामिंग में स्टेरिक का जो बटन होता है ये एज ए मल्टीप्लिकेशन साइन इस्तेमाल होता है। तो आखिरी जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और इसको डायरेक्ट हम कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या रिजल्ट आया। तो चूंकि पिछला आउटपुट हमारा यहाँ पे पहले से चल रहा था तो पहले हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा और फिर से हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आया। तो जवाब इसमें हमारा आ रहा है 0। 0 क्यों आ रहा है, इसकी क्या वजह है। अगर हम 5 और 7 को आपस में डिवाइड करें तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में इसका जवाब आएगा, अगर 5 और 7 को मैं डिवाइड करूं तो इसका जवाब आएगा 0.7 × 7 = 49, तो जवाब इसका आएगा 0.7। अब इसका जवाब तो हमारा यहां पे आना चाहिए था 0.7, बट यहाँ पे हमारा जवाब जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि 0.7 जो है
वो जेड में स्टोर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जेड एक इंटीजर वेरिएबल है. हमने पढ़ा था कि इंटीजर वेरिएबल जो होता है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है, जबकि 0.7 जो है ये दरअसल हमारे पास क्या है, ये एक फ्लोट वैल्यू है. तो हमें अगर इस तरह का इसका रिजल्ट चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेड की टाइप चेंज करनी पड़ेगी. यहाँ पे हम जेड की टाइप चेंज कर सकते हैं और इसके नीचे हम आ जाएंगे. जेड की टाइप हम यहाँ पे रख देते हैं फ्लोट. अब हम देखते हैं कि अब हमने जेड की टाइप चेंज कर दी है, अब देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है. बल्कि इसके साथ साथ जो x और y की जो टाइप है, x वेरिएबल और y वेरिएबल की जो टाइप है, इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारा जो फार्मूला है वो x में मौजूद वैल्यू और y में मौजूद वैल्यू को फ्लोट कंसिडर करे, फ्लोट समझे, तभी वो उसको फ्लोट की तरह कैलकुलेट कर सकेगा. अब हमने क्या किया है कि हमारे जो वेरिएबल्स थे उनकी टाइप हमने चेंज करके फ्लोट रख दी है. अब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा जो एक्चुअल जो हमारा रिजल्ट है, यानी 5 को 7 से अगर डिवाइड किया जाए तो देखें जवाब आता है 0.7. तो यहाँ पे हमारा जवाब आ रहा है 0.7. तो आपने देखा कि इस तरह से डिवाइड ऑपरेटर काम करता है दो नंबर्स को डिवाइड करने के लिए, चाहे वो नंबर्स इंटीजर हों, फ्लोट हों, जिस भी टाइप से उनका ताल्लुक हो, ये ऑपरेटर अपना काम करता है. तो आज की इस वीडियो में हमने ये समझा कि किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं.